विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,70,000 करोड़ की घोषणा की है ताकि लोगों को राहत उपलब्ध हो सके। उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन में भी 1,000 की बढ़ोतरी अगले 3 माह के लिए की गई है, साथ ही किसान सम्मान योजना में भी वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पीडीएस में पर्याप्त मात्रा में राशन सामग्री मौजूद है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोगों को राहत देने के लिए आगामी 3 माह तक अतिरिक्त 5 किलो राशन में वृद्धि की गई है, साथ ही उज्ज्वला तथा हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना में अगले 3 माह तक निशुल्क रिफिल करने का भी फैसला लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने उपमंडल पालमपुर में प्रशासन द्वारा प्रवासी लोगों को राशन सामग्री के वितरण के प्रबंधों की समीक्षा तथा उसका भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी बिना अनाज के भूखा ना रहे, इसके लिए प्रदेश में लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने संकट की इस घड़ी में प्रशासन, स्वास्थ्य, पुलिस और अन्य विभागों द्वारा मुस्तैदी से निर्वहन करने का आभार भी व्यक्त किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगभग इस देश के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए का जो समाज के अलग अलग वर्गों के लिए इस महामारी के समय जो अनुदान के रूप में प्रावधान किया है, उसका भी आने वाले दिनों में लोगों को लाभ मिलेगा। चाहे बुजुर्गों की पेंशन प्रति महीना 1,000 रुपया 3 महीनों तक बढ़ोतरी के रूप में मिलेगी, उसी तरह से किसान सम्मान निधि की किस्त जो है वो भी उन किसानों के खातों में पड़ना शुरू हो जाएगी। तीसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना हमारा पीडीएस सिस्टम है, उन डिपुओं में पर्याप्त मात्रा में सामग्री है, परंतु उसमें भी चाहे वो आटा हो चाहे वो चावल हो, उसमें भी 5-5 किलो की वृद्धि की गई है। और जो गैस सिलेंडर्स हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना में है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी ने जो योजना हिमाचल प्रदेश में चलाई थी उसमें है, 3 महीनों के लिए भी उनकी रिफिल। ये प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है अन्न अनाज के बिना भूखा ना रहे, और ये मुहिम पूरे प्रदेश में चल रही है और पूरे तमाम जिलों में चल रही है। और मैं भी इसलिए यहाँ पर आज आया था कि मौके की स्थिति का मैं अवलोकन कर सकूँ और सभी से मिल सकूँ। मेरा यहाँ पर आने का मुख्य उद्देश्य यही है। और दूसरा, जो हमारा प्रशासन है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस विभाग है, वो बहुत ही मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहा है। इसके लिए मैं उन सभी अधिकारियों को भी और कर्मचारियों को भी साधुवाद या बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इस जो विश्वव्यापी महामारी है जिससे कोई भी देश अछूता नहीं बचा है, और जो श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हम सभी अपने घरों में रहें, सड़क पर ना उतरें, और दूसरा, प्रशासन के द्वारा जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनको उपलब्ध करवाना, मेडिसिन को उपलब्ध करवाना, ये सारे काम चल रहे हैं। तो आज यहाँ द्रंग में सभी से मिलने का मुझे, सभी से नहीं, मैंने इस स्थिति का अवलोकन किया अधिकारियों के साथ, और प्रधानमंत्री ऐसा करके कोविड फंड भी रेज किया गया है, उसी तर्ज पर